Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ये हमारी पार्ट 10th वीडियो है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया होगा ये चैप्टर काफी बड़ा है, तो हमने इसे काफी स्मॉल वीडियोस में डिवाइड करके पढ़ा। तो इस चैप्टर में छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आगे प्लांट फिजियोलॉजी में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो लास्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्कर क्वेश्चन में भी आपको पूछा जाता है। तो अभी तक पूरे चैप्टर में आपने यही देखा कि प्लांट में जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का ही नाम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स है, तो कैसे वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कौन से मैकेनिज्म से वो जा रहे हैं, तो यही सब चीजें अब हम एंडिंग पे आते हैं कि वो मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे पहुंच रहे हैं। हमने सारे प्रोसेसेस देख लिए, अब कौन सा वो स्टोरेज जगह है जहां से वो मटेरियल सभी पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं। तो प्लांट्स के केस में हम दो वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सोर्स एंड सिंक। तो सोर्स जो वर्ड है वो ये बताता है कि वहां पे जो मटेरियल है वो बन रहा है, स्टोर हो रहा है, और सिंक वो जगह है जहां पे हमें अपना न्यूट्रिएंट मिनरल पहुंचाना है। तो ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस की अगर हम बात करें, जैसे ही आयंस हमारे रूट से जाइलम में पहुंचते हैं थ्रू एक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ टू ट्रांसपोर्ट, मतलब या फिर एक्टिव से या पैसिव से, जैसा प्रीवियस वीडियो में देखा, तो ट्रांसपोर्ट होता है वो सभी मिनरल्स आयंस का स्टेम से और स्टेम से अपर पार्ट ऑफ प्लांट। तो मैंने आपको बताया दो रीजन होते हैं आपका, एक सोर्स रीजन और एक सिंक रीजन। तो जो सिंक रीजन है वो प्लांट के वो पार्ट्स हैं जो एक्टिवली ग्रोइंग हैं, जैसे कि एपिकल, लैटरल मेरिस्टम, आपके यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड स्टोरेज ऑर्गन्स, क्योंकि ये सभी वो पार्ट्स हैं जिन्हें कंटिन्यूअसली आपके न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स की जरूरत है, तो उन्हें हम कहते हैं चीफ सिंक पोर्शन। तो आपका जो मिनरल आयंस है जो एब्जॉर्ब हो गए, अब आपके जाइलम कॉम्पोनेंट में आ गए हैं, तो वो थ्रू फाइन वेन्स वो डिफ्यूज होते हैं एक्टिवली इनटू द सेल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देने वाली है वो कि जो मिनरल्स है वो आपके फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज होते रहते हैं, सोर्स से सिंक में जाएंगे और सिंक से भी ये वापस रीमोबिलाइज होते हैं, ओल्डर पार्ट्स जो हैं वहां से न्यूट्रिएंट्स को वापस ले लिया जाता है और आपके यंग ग्रोइंग प्लांट्स में, यंग ग्रोइंग पार्ट्स में भेज दिया जाता है। तो जो ओल्डर लीव्स हैं वहां से सारा मिनरल एक्सपोर्ट किया जाता है टू यंगर लीव्स। तो उसी तरह से जो लीफ है अगर वो पेड़ से डिटैच होने वाली है बिफोर फॉलिंग, तो उसमें से सारा न्यूट्रिएंट डिराइव करके अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में भेज दिया जाता है। अब दो चीजें हैं, अगर मिनरल रीमोबिलाइज्ड हो रहे हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं, इसका मतलब आपके जो मटेरियल हैं वो इन प्रोसेसेस में जा रहे हैं ऑब्वियसली, तो एलिमेंट्स जो है कुछ रेडिली मोबिलाइज्ड हो जाते हैं और कुछ मोबिलाइज्ड नहीं होते। तो ऐसे एलिमेंट्स जो रेडिली मोबिलाइज्ड होते हैं वो हैं फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। तो ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा गया है, मोबिलाइज्ड एंड रीमोबिलाइज्ड एलिमेंट कौन से हैं, तो ये आपके मोबिलाइज्ड एलिमेंट है। और ऐसे स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स जो मोबिलाइज नहीं होते या मूवमेंट में नहीं जाते वो है आपका कैल्शियम। अब ये नोटिस किया गया है कि जो आपका नाइट्रोजन है वो ट्रैवल करता है एज इनऑर्गेनिक आयंस, बट अपार्ट फ्रॉम इनऑर्गेनिक आयंस ये ऑर्गेनिक फॉर्म में भी प्लांट में ट्रैवल करता है एज अमाइनो एसिड, क्योंकि जो प्लांट जो प्रोटीन कॉम्पोनेंट बनाएंगे उसमें अमाइनो एसिड्स है और अमाइनो एसिड्स में आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फरस एंड सल्फर आर कैरीड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हमने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा, आपका जो फॉस्फरस कॉम्पोनेंट है फॉस्फेट डीएनए में प्रेजेंट होता है, सल्फर कॉम्पोनेंट है आपका वो प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो एक्सचेंज है मटेरियल का वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में भी होता रहता है। अब जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, आपके मिनरल्स, जबकि जो आपका फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो कि हमने देखे आपका जो भी फूड सिंथेसाइज करेगा आपके लीव्स उसे फ्लोएम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट से पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करेगा। अब जो फूड है प्लांट में प्राइमरी वो क्या है, सुक्रोज, एक डाइसेकेराइड है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है आपके वैस्कुलर टिश्यू फ्लोएम से फ्रॉम अ सोर्स टू सिंक। अब सोर्स यहाँ पे क्या हुए, आपकी लीव्स, और सिंक आपके अदर पार्ट्स जहाँ पे ये आपका फूड
किया जा रहा है। तो यहाँ पे वही बताइए, सोर्स इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच सिंथेसाइज द फूड, और सिंक वो पार्ट है दैट नीड और स्टोर्स द फूड। तो सोर्स और सिंक जो है वो रिवर्स भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीजन और द प्लांट्स नीड। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो आपके सिंक पार्ट हैं वो भी सोर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। जब वो ओल्डर हो जाते हैं तो उनमें से न्यूट्रिएंट डिराइव करके वापस आपके दूसरे प्लांट यंगर प्लांट पार्ट में भेज दिया जाता है। तो जो आपका शुगर है सुक्रोज वो रूट्स में स्टोर होता है और वो मोबिलाइज हो सकता है और वो एज अ सोर्स एक्ट करता है ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग। जब आपका जो ट्री है उसमें बडिंग होगी जो कि एज अ सिंक एक्ट कर रहा है क्योंकि वो ग्रोइंग पार्ट है, एक्टिवली डेवलपिंग पार्ट है, तो उसमें आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करना, आपके फूड को ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट है। तो सोर्स और सिंक का ये जो रिलेशन है ये वेरिएबल है, और जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है इन फ्लोएम वो अपवर्ड भी है और डाउनवर्ड भी है, दैट इज बाई डायरेक्शनल। तो जाइलम में जो मूवमेंट है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल है, दैट इज अपवर्ड फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट। तो फ्लोएम में जो मूवमेंट है आपका वो आपका मल्टी डायरेक्शनल है। फ्लोएम आपका फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, आपके शुगर, हॉर्मोन्स, अमाइनो एसिड, ये सभी चीजें भी फ्लोएम के थ्रू ट्रांसलोकेट होती है। नेक्स्ट जो आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है दैट इज प्रेशर और मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो ये आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में, थ्योरेटिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मास फ्लो हाइपोथेसिस में ये बताया जा रहा है कि कैसे सोर्स रीजन से सिंक रीजन तक आपका जो सुक्रोज है डाइसैकेराइड जो कि एक ग्लूकोज वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो जो ग्लूकोज प्रिपेयर हो रहा है एट द सोर्स वो कन्वर्ट हो रहा है एज सुक्रोज। थ्योरेटिकली हम पढ़ेंगे, पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ आपको दिखाया गया है ये आपका सोर्स रीजन है, ये आपका सिंक रीजन है। तो सोर्स रीजन में जो ग्लूकोज बनी वो सुक्रोज में कन्वर्ट हुई, फिर वो कंपेनियन सेल में आई, कंपेनियन सेल से वो फ्लोएम में डिफ्यूज होगी। तो जब यहाँ सॉल्यूट डिफ्यूज होगा तो यहाँ सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और जाइलम में वॉटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो आपका जो मूवमेंट हुआ वो कहाँ से कहाँ होगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। तो जाइलम से वाटर फ्लोएम की तरफ मूव करता है जिससे एक प्रेशर क्रिएट होता है आपके फ्लोएम में, और ये सारा मटेरियल जो फ्लोएम में आया सॉल्यूट मटेरियल वो सब ट्रांसफर होगा आपके दूसरे सिंक पार्ट में। जैसे लिखा है ना, ये आपका सोर्स है, लीफ है, सिंक आपके रूट सेल्स या कोई भी और अदर बॉडी पार्ट, तो वहां से वो ट्रांसफर होंगे, फिर कंपेनियन सेल में जाएंगे और आपके सिंक पोर्शन में जाएंगे। तो जब सॉल्यूट मूव होने लग जाएगा आपके कंपेनियन सेल से सिंक पोर्शन में, तो वापस से यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ से वाटर जो है वो वापस ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आपके जाइलम में। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हो, लीफ पोर्शन से आपका कंपेनियन सेल में जाएगा, फिर आपके फ्लोएम में आया, फ्लोएम में सॉल्यूट ज्यादा है, जाइलम में सॉल्यूट कम है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ सॉल्वेंट ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ से वाटर मूव होगा फ्लोएम की तरफ, प्रेशर इंक्रीज होगा जो आपके पूरे सॉल्यूट को लेके जाएगा सिंक या स्टोरेज ऑर्गन में थ्रू कंपेनियन सेल। अब जब आपका सॉल्यूट यहाँ से चला गया और पानी अब यहाँ पे सॉल्वेंट रह गया, अब उसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो वापस फ्लोएम से आपका ऑस्मोसिस होगा और वो जाइलम में जाएगा वाटर, फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो ये पूरा आपके वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल इसी पे डिपेंड करता है जिससे आपका ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इन फ्लोएम एंड जाइलम, जिससे आपके सोर्स एंड सिंक से आपका जो मटेरियल है सॉल्यूट है वो ट्रांसफर होंगे। तो अब थियोरेटिकली हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे मास फ्लो हाइपोथेसिस बताता है जिसमें एक ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ है जिसे सुक्रोज में कन्वर्ट किया गया, उसे अब हमें ट्रांसफर करना है। तो वो शुगर जो मूव होगा इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज वो पहले कंपेनियन सेल में जाएगा, फिर वो आपके सीव ट्यूब्स में जाएगा जो कि फ्लोएम का पार्ट है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जब ये लोडिंग होगी तो वहां कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी जिससे एडजेसेंट जाइलम से आपका जो वाटर है वो मूव होगा इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप हो गया फ्लोएम में, तो हायर टू लोअर प्रेशर आपका ये मूव करेगा
और आपके सिंक में तो लोअर प्रेशर है, तो उस तरफ आपका सारा जो सॉल्यूट मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होगा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से सुक्रोज मूव हुआ आउट ऑफ द फ्लोएम सैप इनटू द सेल्स व्हिच यूज द शुगर। तो ये कौन सा है? सिंक पार्ट है। तो शुगर्स यहाँ से मूव हो गए ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करते हुए एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम। अब ये वापस चले जाएगा जाइलम में। तो इस थ्योरी से हमें ये प्रूफ हो गया कि जो मूवमेंट ऑफ फूड है फ्रॉम लीव्स टू रूट होता है, और जो लीव्स है वो रीजन है जहाँ फूड प्रिपेयर हो रहा है और वो सोर्स एंड की तरह एक्ट कर रहे हैं, और जो रूट्स हैं वहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है जो परफॉर्म करते हैं एब्जॉर्प्शन रेस्पिरेशन, एंड रूट्स आपका एज अ सिंक एंड है। तो फ्लो इज फ्रॉम द सोर्स एंड टू सिंक एंड। तो यही चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि आपका मूवमेंट कैसे हुआ फ्लोएम से जाइलम में, जो मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया। तो ये पूरा प्रोसेस क्लियर करता है कि सोर्स पोर्शन से सिंक पोर्शन में फूड ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम में हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है एज कम्पेयर टू जाइलम, और जाइलम में हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। तो फ्लोएम वो टिश्यू है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, एंड ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स द रूट। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।